चोरी ऊपर से सीना चोरी, कुछ ऐसा ही काला कारनामा जो हमारे देश के दुश्मन अक्सर करते रहते हैं। जहां बंदूक के आगे वो कुछ मासूम लोगों को आगे करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कराना चाहते थे, पर वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि 100 सुनार की तो एक लोहार की, जो इन दुश्मनों को खाक में मिला देता है। पर बॉस ये तो रियलिटी चेक था जो हमारे सोल्जर्स अक्सर असल में फील्ड में करते रहते हैं। पर उसी कहानी को स्क्रीन पर उतार कर शेरशाह की तरह क्या बेलबॉटम भी एक इमोशन बन जाएगी, चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिता, वेलकम टू द रिव्यू ऑफ बेलबॉटम। फिल्म की स्टोरी 80s के दशक की है, जब इंदिरा गांधी अपनी सत्ता को संभाले हुए थी। इसी बीच 7 साल में 5 हाईजैक्स के बाद ये टेररिस्ट इसी लूप को चलाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर रॉ चीफ आदिल हुसैन इस लूप को तोड़ने के लिए अपने बेस्ट और अंडरकवर ऑफिसर अक्षय कुमार यानी अंशुल को इस मिशन का लीड बनाते हैं। अंशुल यानी अक्षय कुमार एक नॉर्मल मैरिड कपल की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पर इस सीधे साधे आदमी की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो इस डू और डाई की सिचुएशन में जाने के लिए एक बार भी नहीं हिचकते हैं। और कैसे वो इन टेररिस्ट का प्लान अपनी प्लॉटिंग, तेज दिमाग और चालाकी से फ्लॉप करते हैं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म फिलहाल केवल थिएटर्स में देखने को मिलेगी। बात करें एक्टिंग की तो अक्षय कुमार पेट्रियोटिज्म फिल्म्स के एक पोस्टर बॉय बन चुके हैं। मतलब अक्षय की एयरलिफ्ट, बेबी जैसी फिल्मों के बाद हमें यहाँ अक्षय का एक रॉ एजेंट का क्रिस्प लुक देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने एक टॉप परफॉर्मेंस दी है जो डेफिनेटली ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। वही लारा दत्ता को इंदिरा गांधी का लुक काफी अच्छा दिया गया है, पर फिर भी एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्ट्रॉन्ग रोल और गुड डायलॉग के बाद भी लारा का रोल उतना इफेक्टिव नहीं है जो होना चाहिए था। वही आदिल हुसैन का कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इस फिल्म में उन्होंने एक दमदार चीफ का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। पर वाणी कपूर जो अक्षय की वाइफ है, इस फिल्म में उनका कैरेक्टर केवल शोपीस की तरह है, ताकि एक रॉ एजेंट जो एक अंडरकवर है उसकी पर्सनल लाइफ को यहाँ सिर्फ कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। पर भाई साहब, एक इंटेलिजेंट एजेंट और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में अगर विलन जब तक सुपर स्ट्रॉन्ग ना हो तो फाइट में मजा नहीं आता है, जिसको जैन खान ने बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्म में पोर्ट्रे किया है। पर फिर भी फिल्म में कम सीन्स के बाद भी विलन के कैरेक्टर को ऑडियंस याद रख पाएगी। ह्यूमर क्यूरेशी भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल प्ले करते हुए बहुत कम टाइम के लिए स्क्रीन पर दिखी है। मूविंग टू द डायरेक्शन, रंजीत तिवारी की डायरेक्शन में बनी हुई ये उनकी सेकेंड फिल्म है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको सिर्फ कैरेक्टर और स्टोरी डेवलपमेंट में ही घुमाएगा, जो थोड़ा सा खिंचा लग सकता है, पर सेकेंड हाफ आपको डेफिनेटली अपनी सीट पर फेविकॉल से जुड़े होने वाला फील देगा। फिल्म में पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में जुड़े हुए सारे कैरेक्टर्स को सीक्वेंसली जोड़कर स्क्रीन पर दिखाना एक गुड और क्वालिटी कंटेंट डायरेक्शन है, जहां 2 घंटे की फिल्म आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। फिल्म में गुड बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी में भी काफी न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जो काफी अच्छे हैं। बात करें यहाँ म्यूजिक की तो बॉलीवुड फिल्मों में मसाला डालने के लिए पुराना तरीका वो गाने में करते हैं, पर ये आइडिया यहाँ पर सुपर फ्लॉप हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्म के सॉन्ग्स थोड़े एवरेज से हैं। पर फिल्म के एक्शन सीक्वेंस में डाला हुआ रेट्रो म्यूजिक फिल्म के थ्रिल में जान डालने का काम करता है। बात करें यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की तो फिल्म में सिर्फ अक्षय कुमार ही आपको मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम कवर करते हुए दिखेंगे, जो काफी स्मूथ और इंटरेस्टिंग है। वहीं फिल्म कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट से जुड़ी हुई है, जहां हाईटेक सीक्वेंस, गुड कास्टिंग, गुड स्क्रीन प्ले और इसका यूनिक थ्रिलिंग रेट्रो म्यूजिक इसका बेस्ट पार्ट है। अगर बात करें यहाँ नेगेटिव की तो एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और गुड हीरोइक कैरेक्टर के बाद भी विलन के रोल में हमें जैन का काम बहुत कम टाइम के लिए स्क्रीन पर देखने को मिलता है। वही फिल्म थोड़ी सी इजी गोइंग है, मतलब इतनी बड़ी हाईजैक के बाद भी फिल्म में हमें फियर, अग्रेशन, हेट्रेड जैसे इमोशंस मिसिंग मिलेंगे। वेल ओवरऑल बेलबॉटम एक रे ऑफ होप है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, जो ऑडियंस को थिएटर्स में खींच कर लेकर आएगी। और अगर आप फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और स्पेशली अक्षय की एक्टिंग को 2D के साथ 3D में भी एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म डेफिनेटली आपके लिए है। वेल आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस मूवी के साथ मुझे नीचे अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा, और रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।